हम लोग यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे मैंने कुछ फिल्म बनाई हैं। एक तो बीच लाइफ में जैसे रुचि, जैसे रुचि सब छोड़ छाड़ के शायद आर्टिस्ट बन गई हैं, बनने का था ये शुरू से बन पाई। मेरे जैसे लोगों का सपना था और हमें काम वाम करना पड़ा, तो एक दिन न्यू फिल्म अकेडमी ज्वाइन कर ली, एक दो मूवीज बनाई। यहीं पर एक मूवी आई डोंट लाइक इट, लेकिन उसका रॉबर्ट डेनिरो की बेटी ने प्रोड्यूस की थी, और इंडिया से भी सुष्मिता सेन और बाकी सारे लोग थे जो मैंने लिखी थी, डायरेक्ट की थी। और तो फिल्म मेकिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड था, दो फिल्म से, एक फिर टीवी सीरियल बनाया है जिया जाके, और उसके बाद में कुछ मज़ा नहीं आया। न्यूयॉर्क में हम लोग जो भी काम कर रहे थे तो एक थोड़ा सा अंतर लगा कि यहाँ पर जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें लोग अपना सुख पहले ढूंढते हैं कि यार हम अगर खासतौर से आर्ट कर रहे हैं तो आर्ट तो खुद के सुख के लिए की जाती है, बेचना बेचना बात की चीज़ है, बिग्गी तो और अच्छी बात है, शायद उससे बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग जो कर रहे थे तो वहाँ पे मज़ा नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री शायद ऐसी है कि वहाँ पे आपको दूसरों के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। और फिर मैंने 8-9 महीने बैकपैकिंग की, समहाव स्टीचिंग यूनिवर्सिटी, तब देश को नए सिरे से एक बार फिर से देखने का मौका मिला। सो आई वाज एवरीवेयर। और फिर US आया था, 2 साल यहाँ पे कुछ नहीं किया था, ना मालविका ना मैंने, लड़ते झगड़ते रहते थे, बच्चे थे नहीं तो आप लड़ते कैफे जाते थे और मूवीज देखते थे और किताबें पढ़ना होता था और कुछ नहीं किया। रुचि आप बैठे रहो, तो कोई जॉब वॉब ये वो नहीं। तो ये था कि मेरे को लाइफ में, मतलब ये बता रहा था कि जब कभी कुछ नहीं करना हो तो कोई बेचैनी नहीं होती, कुछ नहीं कर रहे हो क्या कर रहे हो, शराब पी रहे हो या किताब पढ़ रहे हो। तो ऐसे लंबे लंबे वक्त भी आके निकले, मान लीजिए डेज विद गॉड्स, उसकी परेशानी है या नहीं है जो भी। तो हाँ, जब काम नहीं कर रहा हूँ तो खाना अच्छा बनाता हूँ, तो आई समटाइम्स गिव अ टिफिन इन द मॉर्निंग। तो ये काम आया और देखने से, घूमने से, खाली बैठने से ये लगा, मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करता हूँ कि यार अभी यहाँ पे आके भी लग रहा था इनका देख के आया स्टूडियो तो दिल थोड़ा खट्टा हो गया, क्योंकि ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किताबों का, रिचमंड इतनी बड़ी जगह नहीं, रिचमंड इज़ नॉट दिल्ली या बॉम्बे, छोटी जगह होने के बावजूद यहाँ पे जो इन लोगों को किस किस तरह से बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा कुछ ऐसे लोगों के साथ था जिनके साथ में रोज़ उठना बैठना, और हम लोग ये बात करते थे कि यार हम लोग बहुत मीडियोकर कर रहे हैं, सोसाइटी और नीचे जाती जा रही है, थोड़ा रिग्रेसिव तरफ होते जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग कि मोदी बात आता है, मतलब हम शुरुआत से देखे जाए तो नुक्कड़ जैसे सीरियल बनते थे, हम वो देखते थे, अब पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। और इतनी सारी हमारे पास में चीज़ें हैं, हमें अंग्रेजी, अच्छा दूसरा वहाँ पर जाएंगे अब पहली चीज़ इट माइट हिट यू आफ्टर लाइक रोमांस शुरू में जाने का ख़त्म होने के बाद में, क्या जो अखबार आ रहा है वो कितने गंदे तरह से लिखा जा रहा है। तो आप कुछ दिनों बाद लगता है कि यार हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलनी आती नहीं है हमको। हम लोगों के पास में सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हम नहीं करते हैं, हमने काम निकाल लिया सबसे अंग्रेजी बोल के, हम वही बात करते हैं। तो ये लगा कि यार अंग्रेजी तो बोल नहीं पा रहे हैं। और फिर वो क्योंकि US से गया था और न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क टाइम्स वालों के साथ, मतलब कुछ लेखकों के साथ में यहाँ पर उठना बैठना था, वो अच्छे लोग थे, भाषा किस तरह से ग्रो कर रही उस बारे में बात करते थे। तो लगा कि हमारे यहाँ तो कोई बात करने वाला है नहीं, कहीं भाषा हमारी ग्रो कर रही, कहाँ जा रही, क्या हो रहा है। हम मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, 400-500 शब्दों में सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो बैठ के, और रुचि से मेरी आजकल ज़्यादा फ़ोन पर बात होती है, जिससे मैं आया हूँ तो रुचि जानती है कि मैं बस रोता पीटता रहता हूँ हर मामले में, परेशान। तो वहाँ पर भी भाई अपने निकाल ली, किसी को रोने का शौक है तो आ जाए साथ में बैठ जाए, देश पे रोएंगे, इस पे रोएंगे, उस पे रोएंगे, आज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब पे रोते रहेंगे। तो ऐसे रोने वाले एक दिन ये था कि वही खाली बैठे बैठे एक दिनों में एक जयशंकर प्रसाद जी की कामधेनु पढ़ ली, रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी पढ़ ली। पहले कभी पढ़ी रही होगी बचपन में, लेकिन अब आपके mid-40s में पढ़ रहे हैं तो शायद उसको आप अलग तरह से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लगा यार इतने महान ग्रंथ क्यों नहीं है कहीं। हमारे लोग सब शेक्सपियर के बारे में जानते हैं हिंदुस्तान में, उन पर विशाल भारद्वाज मूवी बना रहे हैं, कालिदास के बारे में नहीं जानते, नाम सुना है कि हाँ कालिदास संस्कृत के नाटककार थे, अच्छा नाटककार थे, कवि थे, क्या थे। तो मतलब ये चीज़ें पढ़े लिखे वाले लोग भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यार ये क्यों नहीं है। आप वो पढ़ें, आपके अगर कामरी नहीं, आप पता नहीं कितने लोगों में पढ़ी है आपने,
आपने इतना मैच्योर ग्रंथ नहीं पढ़ा, हम लोग नीट से पढ़ते हैं, हम लोग प्राइड पढ़ते हैं, हम लोग सब हर तरह के फिलोसफर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी फिलोसफर्स हम उतने गर्व से उनके बारे में बात नहीं करते। जितने भी लोग बॉम्बे दिल्ली में आप मिलेंगे कोट करते हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स इंटेलेक्चुअल्स एंड वेल रेड, दे आर एक्चुअली वेल रेड, मगर एक तरफा ही पढ़ा है। अंग्रेजी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग किस्मत अच्छी कि हम दो तीन भाषाओं में पढ़ सकते हैं, तो हम दो तीन भाषाओं में शायद ज़्यादा रिच होते। तो उस शाम को सब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे, एक्टर्स थे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वाले थे, और मैंने कुछ पढ़ के सुनाए उसके भाव, तो लोगों के तो अब हम इस तरह की बातें होती हैं, कभी अच्छे से हो जाएं तो लोगों के आंसू आंसू बड़े निकलते रहते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री वाले हम लोग खूब रोते हैं, मूवी देखते हैं तो रोते हैं, बारिश अच्छी होगी तो रोते हैं, और रोज शाम को अपनी किस्मत पे रोते हैं। तो उस दिन ये हिंदी के ऊपर बात हुई, क्या ये बात ठीक नहीं, अंग्रेजी किसको बोलनी आती है। फिर बाद में हालांकि आगे चल के एक स्लोगन भी मैंने दिया, फिर मैं नवभारत टाइम्स के लिए भी लिखता रहा, कुछ और भी कर रहा था, कि इंग्लिश इज द न्यू नॉर्मल। और मुंबई में तो आप जहाँ जाओ कि वो सब्जी वाला भी आपसे पूछो कि भाई ये भिंडी कितने की, तो कभी कभी बोलते चल ले ली देंगे उनका वो, हाँ आप उनसे बोलो कभी उनसे कि भाई दूध देना, तो बोलता हाँ मिल्क का पैकेट लाना, मतलब इस तरह से हीरो करने वाली मच्छी वाली हमारे ड्राइवर सब अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश इज द न्यू नॉर्मल, आप कैसे बात करेंगे। और फिर ये रहा कि हम क्या कर सकते, तो ऑब्वियसली निकलता है यार सिचुएशन ऐसी, हम लोग अमूमन हिंदुस्तान में हम लोग बात करते हैं, समस्याओं पर रोते हैं, खूब सारी पीते हैं, अपने अपने घर चलते हैं। लेकिन उस दिन के बाद में दूसरे दिन कुछ लोगों को याद रहा, उन लोगों ने कॉल वॉल किया कि यार कल बात हुई थी कुछ करेंगे जरूर, तुमने कहा हाँ यार कुछ करेंगे जरूर, मिलते हैं इस वीकेंड में, मिलते हैं इस वीकेंड में मिलते हैं। और तब मेरे पास में एक ऑफिस था, तीन चार एम्प्लॉइज थे, हम लोग शायद हिंदी फिल्म लिख रहे थे, संगीत वंगीत बना रहे थे कि फिल्म बनेगी, ऐसा कुछ होने वाला था। तो उन सब लोगों को मैं सुबह से बैठ के जब भी हैंगओवर खत्म हुआ सुना रहा था कि यार वी नीड टू डू समथिंग, और सब लोग हाँ करना चाहिए, क्या मजा आएगा, ये होगा होगा, और ये कोई नहीं कर रहा है, चलो फंड लेके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हाँ चलो फंड बनाएंगे, लेकिन हम पहले खुद कुछ करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने चार पांच वीडियोस बनाए, लोगों को दिखाए, जो आने वाले था वो वीकेंड तक भूल चुके थे लोग कि भाई ये करना भी है। ऐसे शुरू हुआ था एक प्रोजेक्ट जिसमें पाँच वीडियोज़ हम बना चुके थे, उसके लिए ग्राफिक्स सोचना, उसके लिए संगीत सोचना, उसके लिए कुछ और सोचना वगैरह कर रहे थे, और ये बात तो फिर हमें तयशुदा लगी कि इस इन वीडियोस को कोई देखेगा तो नहीं, कभी किसी को थोड़ा बहुत एकेडमिक दिलचस्पी होगी तो देख लेंगे। कोविड जो पोएम्स रिसाइट शुरू में पांच वीडियोस जो बनाए थे, अब उसके बाद में मिलना हुआ, और वो दिन शायद बहुत बड़ा दिन था। एक साहब है, उनका नाम है विष्णु खन, है वो छिंदवाड़ा के, मेरे नेटिव जगह है, मैंने तो नाम सुना होगा उड़ता उड़ता कि वो गए थे, उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार दिए वगैरह वगैरह, वो मुंबई में रहते हैं, उनकी बेटी भी नॉन एक्ट्रेस है, उनसे मिलना हुआ छिंदवाड़ा में, ट्रांसलेशंस करिए अच्छी, उन्होंने पता नहीं कह रहे थे। तो उस आदमी के पास में उनके घर पे मैं गया, अब हमारे पापा वापा लोग भी हैं, मतलब मेरा ये अब मानना बहुत ही स्पष्टतः हो गया है कि जिसके जीवन में साहित्य नहीं रहता है या बाकी चीज़ें नहीं रहती, वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, इंसान दुखी रहता है, मतलब दुख नहीं है तो, और जिसके पास साहित्य वाहित है तो आपको इतने सारे इतना सारा अनुभव आपको भले ही सेकेंड हैंड मिलते हैं, लेकिन इतने अनुभवों के बाद में आपकी कमज़ोरी खैर थोड़ी कम हो जाती है। तो हम सब लोग जैसे डील करते हैं, हमारे पेरेंट्स शायद उधर रहते हैं कई लोगों के, तो आपको चिंता बनी रहती है, आपको बाकी सारी चीज़ें रहती। इस आदमी के पास गया, ही हैज़ अ प्रॉपर फैमिली, सब कुछ है, वो ही चूज टू लिव अलोन, चूजेस टू लिव अलोन, वो अकेले रहते हैं, और फिर उसके बाद में वो दरवाज़ा खुलने आने से ही उनके साथ में रोमांस जैसा चीज़ शुरू हो गई, थके हारे थे बेचारे, अब पानी पियोगे जी तो कहते हैं कि भाई अंदर से ले, और तो भाई मैं दो मिनट बात कर सकता हूँ, तुम जो भी हो जैसे भी, ऐसा कुछ से बात शुरू हुई। और उसके बाद में पाँच छः घंटे बाद मैंने पूछा कि सर वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, आई कैन हैव अ ड्रिंक विद यू, ले आओ। तो मतलब फिर उनके साथ में इतना बैठा, और आप बात कर रहे थे मृत्यु की, आप बात कर रहे थे जीवन की, आप बात कर रहे थे प्यार की और सफलता की और इस तरह की जो चीज़ों की। इस आदमी को सर की उपाधि फिनलैंड से मिली, मैं अंग्रेजी बोलूँ तो
उसमें गलतियां निकालता, हिंदी हम लोगों को बोलनी आती नहीं है तो उसमें तो वो निकाल ही रहते, उर्दू में कुछ शब्द है तो बोलते हैं तुम बेवकूफ हो जाहिल हो। अब आप 45 साल के होने के बाद में, मैंने मायामी में नाइट क्लब चलाया, मेरे रीना डेनिरो के साथ में हमने मूवी की सुपर मॉडल्स और मिस यूनिवर्स दो तीन साथ में थी मूवीज में, ये वो तो बहुत देख ली दुनिया, सब देख ली मैंने। उसके बाद में ये कोई ऐसे बोल रहा है यू कैन फील लाइक अ किड, दिस फीलिंग एंड देन मतलब दैट्स वेयर यू वांट टू लर्न, क्या आगे बढ़ने की जगह है, वरना तो अपन मोटर मिड 40s में चक्कर रहता है कि शायद रुक जाए तो। और फिर उनसे जो बातें बनी थी इट वॉज अमेजिंग। आप किसी भी उस पर बात करो, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें तो याद हैं जो शॉकिंग भी हो सकती हैं, लेकिन यार इतना जहीन आदमी इसको लोग क्यों नहीं जानते। और हम बॉम्बे में रहते हैं, एक घटिया सा सीरियल लिखने वाले बंदे को लाखों लोग जानते हैं, वो लौट के जाता है अपने गांव में, एमएलए बन जाता है, कुछ और हो जाता है, लेकिन इतने बड़े आदमी को नहीं जानते। उनके बाद में क्वालिफिकेशन उनकी और पता चलती नहीं, देखता रहा कि क्या क्या इनको अवार्ड्स मिले हैं, क्या क्या हुआ है। ही इज ह्यूज। उन्होंने हे डेज में जब हिंदुस्तान में हिंदी ज़्यादा बड़ी होती थी, हिंदी के अखबार बड़े होते थे, महत्वपूर्ण होते थे, तब उन्होंने वो संपादक रहे हैं बड़े बड़े अखबारों के और पता नहीं क्या, और इतने अच्छे से बात करने वाला कि आप उनके सामने 15-20 मिनट बैठे, आधे घंटे बैठे, एक सम वो जिंदगी में कुछ आपके जरूरी चीज दे दी, तो लगा कि वाह। वहां से मैं निकला, फिर मैंने माँ को फोन किया, मैंने और उन्होंने पूछा भी कि वीडियो कौन देखेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं मालूम, एक वीडियो हिंदी कविता के नाम से यूट्यूब चैनल है जो बहुत ज़्यादा अभी भारत में लोकप्रिय हुई है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने आगे हिंदी कविताएं पढ़ी हैं, फिर उसके बाद में मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, फिर कुछ राजकुमारियां हैं, क्वींस हैं, किंग्स हैं, इधर उधर के उन लोगों ने पढ़ा है, और उसके अलावा ये विष्णु खरे, मंगलेश डबरा, अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, जितने लोगों से इन सब लोगों ने भी कविताएँ अपनी कविता का पाठ किया। तो उस चैनल की वजह से फिर इन लोगों से मिलना शुरू हुआ। विष्णु खरे की उंगली पकड़ी, मैंने कहा सर मैं नहीं जानता साहित्य क्या है, मैं आपका भी नाम नहीं जानता था, तो और जो भी था उन्होंने एक लिस्ट बना के दी उस दिन कि इन लोगों के साथ में मिलो, इनकी कविताएं करो, बाकी सब बकवास है, वेरी स्ट्रॉन्ग कि बाकी सब बकवास है, तो उनको दुर्वासा कहा जाता है, वो किसी अशोक वाजपेयी को मतलब वो सबको वो अशोक वाजपेयी को बोलते हैं, मेरा नाम मत लेना किसी के सामने, ये लोग तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही बंद हो जाएगा। और हालांकि मैंने भी सुना कि क्योंकि सब एक दूसरे की बहुत बुराई चीज है, बताया कि भाई कर दिया, उनकी वजह से सबसे मिलना हुआ, और सभी लोग इतने बढ़िया। आप को अगर अशोक वाजपेयी के घर में उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, वो खुल के बात कर पा रहे हैं, जो भी वो हैं बाहर मिलते हैं, स्टेज पे रहते हैं, तो आप उनको किसी भी कलाकार को आप समझ ही नहीं पाते। अब आप जगजीत सिंह से कभी प्राइवेटली मिलना हुआ और वो अपना सब्जी बनाते बनाते क्या कौन सी बातें कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट स्टोरी देन व्हाट यू गेट ऑन द स्टेज। और ये बड़े लेखक, इनको किस किन चीज़ों ने बनाया, इनको किन चीज़ों ने कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, कैसे ये लेखक रह पाते हैं, इनकी सोच क्या है साहित्य के बारे में, ये वो सब बातें करने का मौका मिला। जो वीडियोस अगर किसी ने देखे हैं तो सच बताऊं तो इस फिल्म इंडस्ट्री लिमिटेशन, उसमें 2-3% भी अगर इन लोगों का कुछ आ गया हो तो बहुत नहीं आ पाए। आप 3 मिनट का वीडियो बनता है, कई बार सेट भी नहीं होता हम लोगों में, लेकिन आपको बात करने का मौका मिलता है पूरे दिन दिन भर। तो ये इस बात ने फिर ये हुआ कि महीने साल गुजरते गए, पैसे वैसे खत्म होते गए, ऑफिस खत्म हो गया, फिर एक आध साल एक मेरी मेड थी उसने फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी, इसलिए तो उसका नाम वो मेरे से अकड़ के रहती थी घर में, 1 साल की थी मैं वो ही रहते थे तो उसको भाई नाम कहते थे, तो शी बिकेम वेरी फेमस इन द इंडस्ट्री, क्योंकि कोई आता था वरुण ग्रोवर जिसने मसान लिखी है, शिल्पा शुक्ला वगैरह, तो वो दरवाज़ा भी खोलेगी, चाय भी वो बना के लाएगी, कुछ गिर गया तो झाड़ू पोछा भी वहीं कर देगी, खाना भी उसी ने बनाया, फिर वो कैमरा भी लेके बैठी है, और मैं उसको पूछा था भाई कौन सा एंगल का दिल तू बता, तो शिल्पा को बोला दीदी अच्छा नहीं लग रहा है कान का, कुछ दूसरा पहनो, तो और उससे मेरी बहुत बहस होती थी, मैंने कहा इस घर में रहना है तो हमको रईस लोग चाहिए, तो भैया मैं गरीब हूँ, मैंने गरीब गरीब नहीं जो कविता लिखता है मतलब उसके काम हो गए, बाकी जो
पैसे वैसे यही बारे में पूरे टाइम सोचता रहता है, वो गरीब मेंटेलिटी, वही जो अपने दीपक चोपड़ा है सब लोग कहते हैं तो हो गए। तो वो उसने बंदी ने हिंदी में, और एज मीन उसकी भाषा थी, उसने कविताएं वविताएं भी उसने खूब लिखी एंड शी वाज अ हेल्प। तो ये था कि साल महीने महीने साल गुजरते रहे, सब चले गए, पैसे वैसे खत्म हो गए। पहले शुरू में हमारे पास में बड़ा इक्विपमेंट और वो सब की ज़रूरत थी, लेकिन ज़माना बदल रहा है, पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद में ये चीज़ें तकरीबन दो साल बाद कुछ फिल्म, एक डेढ़ साल बाद फिल्म एक्टर्स आए और फिर उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ, तब ये चीज़ें थोड़ी और लोकप्रिय होने लगी उनकी वजह से। जैसे मनोज वाजपेयी ने रश्मि रथी पढ़ी है, सौरभ भास्कर ने पाश को पढ़ा है, और नसीर भाई ने फैज़ को पढ़ा है। और इन लोगों के साथ भी जो वीडियोस बनते हैं उसमें बहुत रोना धोना होता है, मतलब ये थोड़ा डिटोल पर एकदम छोड़ गया। तो जैसे अब सौरभ शुक्ला आके बैठे हैं, अब पहली बार मैं मिल रहा हूँ हमारे घर में उनका, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। अब वो आके बैठे हैं, वो छः बार तो रो चुके हैं, 15-20 सिगरेट पी चुके हैं, 5-6 चाय हो गई हैं, 3 स्क्रिप्ट सुना दिए, दुनिया के इधर के उधर की बात सुना दी, कविता की बारी आई नहीं है सुन। तो फिर मैंने आमिर से ही कहा, इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, दम आर्ट नहीं है हमारे, फिर एक्टर्स नहीं है, लेखक नहीं है। फिर मैंने सोचा कि लोग भी इस बात से परेशान हैं कि और सभी लोग बोलते हैं ना एक्टर्स हैं हमारे पास ना लेखक। खैर, तो इन लोगों ने जो कविताएं अगर पढ़ी हैं आपने जिसको देखा होगा, ये इनके दिल की करीब, ये इन कविताओं के साथ में वो सोए हैं, जिए हैं, इनकी ज़िंदगी के सुख दुख में वो कविताएं वो लेखक साथ में रहे हैं, इनको शेप करने में वो लेखक साथ में रहे। स्वरा पाश के बिना नहीं शायद स्वरा भास्कर रह पाती। फिर मानव कॉल जैसे लोगों ने खुद ही संपर्क किया, भी मैं करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे शायद आप लोग इसको एक्टर के तौर पे जानते हो, लेकिन वो अभी जितने लोग नाटक कर रहे हैं बॉम्बे में तो थिएटर में, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर डायरेक्टर्स। पीयूष मिश्रा आ गए, फिर इम्तियाज अली खुद आए, कह रही कौन सी चैनल हम करना चाहते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बिकेम वेरी समहाउ, और ये उनको ऑनेस्ट लगा, क्योंकि क्या है कि जैसे सौरभ भास्कर को आप देखेंगे, अभी छोटी सी बात है कि वहाँ पे कोई मेकअप नहीं है सर, और ये फिल्मी लोग एक सेल्फी भी नहीं लेते हैं बिना मेकअप के, मतलब बिकॉज वो बाहर चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा। अब वो मेकअप वेकअप करके बैठे मिल गया सर, अच्छा नहीं लग रहा, तो लोगों को उस तरह से पकड़ पाना, और फिर बट दे आर लुकिंग वेरी लाइकेबल। तो ये लोग कई बार ऐसे मजाक में कहते हैं कि इससे शोरी बनवा दो अपनी, तो बिकॉज वी मेक पीपल लुक गुड, वी थिंक दैट दीज पीपल आर ब्यूटिफुल, तो वो वैसे दिखने लगते हैं उसमें भी। तो फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रियता बढ़ने से, फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादा लोगों के आने से शायद लोकप्रियता इधर उधर भी बढ़ी, और ये होता है कि उसकी वजह से ये भी हुआ, बड़ी आसानी से ये हुआ कि लोग मनोज वाजपेयी की वजह से आए तो सही, लेकिन रुके असल कविताओं की वजह से, लोगों ने पाश को ढूंढना शुरू किया, लोगों ने शुरू में तो बच्चे लोग जैसे अमृता प्रीतम का भी नाम नहीं सुना उनको ढूंढ रहे हैं, लोगों ने दिनकर को अलग तरह से देखना शुरू किया, लोगों लोग क्योंकि हिंदुस्तान में तो दो कवि हैं रहे हैं पहले हिस्टोरिकली, एक सबसे पूछते थे कि कवि कौन से, तो एक तो नाम आता था बच्चन, दूसरा आता था गुलजार, और कोई नहीं परफेक्ट जी सही है, नहीं हरिवंश राय बच्चन। और फिर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नाइफाकी भी रही, बहुत सारी चीज़ें सोचते रह गया, मेरे पास इतने पैसे वैसे नहीं थे, 1.5 करोड़ रुपए पड़े थे, अगर मैं कुछ हिंदी के लिए कर सकता था तो बच्चन जी तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो अभी ये बात समझ में आ गई, बच्चन जी ने पप्पा जी को प्रमोट किया, उन्होंने कभी हिंदी को प्रमोट किया, और ऐसी बातें फिर मैं करते भी लगा। फिर मुझे फिर क्या हो रहा था कि हिंदी के खिलाफ षड्यंत्र है, इंग्लिश की लॉबी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने षड्यंत्र रच के मैगजीन्स को ख़त्म करने की साजिश है, कुछ नहीं हिंदी के खिलाफ कुछ नहीं है, हिंदी से हमने मोहब्बत करनी बंद कर दी, तो हिंदी बेचारी जैसे घर में अगर अंग्रेजी वाली बहू खटखट करके घूम रही तो खुद ही वो चीथड़ा ओढ़ के बैठ गई, हम तो गए, ये हुआ 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हिंदी को बचाने की कोई लड़ाई है ही नहीं। हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कोई लड़ाई कोई ये नहीं, हम भाषा से प्रेम नहीं करते।
हम हिंदुस्तान की बात करें, हम लोग अंग्रेजी के शब्द हिंदुस्तान में भी हमको सीखने पड़ते हैं, हम लोग अंग्रेजी के नए नए शब्द सीखते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। उर्दू का कोई शब्द समझ में नहीं आता तो हम बोलते हैं यार ये शायरी बड़ी अच्छी है, ये शब्द समझ नहीं आता, कोशिश करते हैं कि वो भी आ जाए। हिंदी में आते हैं केस तो बोलते हैं यार क्यों परेशान वाली भाषा में लिख रहे हैं। तो हमने हिंदी और उर्दू में वैसे अंतर कोई अगर आप लोग सवाल करेंगे तो मैं नहीं जानता कि हिंदी उर्दू में आज क्या अंतर, इसे बात रखने के लिए। हिंदी के साथ में इतने खूबसूरत खूबसूरत शब्द हैं जिसको बेकार सी भाषा बना के, मतलब यूजलेस बना के उसे पीछे रख दिया गया। तो और सबसे मजेदार चीज ये है कि आज इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा एक जो हमें पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिली अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने, इसने उसने बहुत बहुत बड़ा बड़ा और बहुत अच्छा अच्छा मिला। तो मैं पूछ कोई पीआर का हमारे पास में ना पैसे हैं ना साधन है ना कोई है कुछ करने वाला, तो इन्होंने बताया कि हम इसके इस चैनल के फैन हैं। तो धीरे धीरे ये चलते समझ में आया कि जो बड़े शहर हैं जहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं जिन्होंने पूरी उनकी तरबियत अंग्रेजी में हुई है, उनकी उनके रोजगार अंग्रेजी में, घर में लड़ाई भी करते हैं स्पाउसेस से तो अंग्रेजी में करते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ के आया है हिंदी साहित्य के प्रति। क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी लोग हमारी भी तलाश है, ढूंढते रहते हैं कि हम अपनी कौन सी चीज़ की इज्जत कर सकें। तो कई लोगों के सामने ये सब चीज़ें नहीं आई, इनकी ग्रुप में इनकी दुनिया में भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब वो सुनते हैं और अब हम तो वैसे ही बोलने हम कई जगह जाके बोलते हैं और ऐसी बात हमें लगने भी लगी है, हम मतलब जो ग्रुप में और लोग भी हैं, यार अब हिंदुस्तान में कोई इससे ज़्यादा कूल चीज़ ला के बता, इससे ज़्यादा हिट चीज़ ला के बता, तो इससे ज़्यादा कोई जो हमारा प्रोजेक्ट रहा है, जो बात है, जो कविताएँ हैं, हम आप फ्लर्ट कैसे कर सकते हैं जब तक आप इश्क कैसे कर सकते हैं जब तक आप कविताओं में और उर्दू शायरी में थोड़ी बहुत दखल नहीं रखते। बाकी तो आई लव यू तो दूध वाला भी बोलता होगा, अब CEO भी है वो भी आई लव यू बोल रहा है, तो मतलब इतना ही अंतर है। जब तक आप ये ना बोल पाएं कि भैया यही है आजमाना, तो सताना किसको कहते हैं, तो आपके आपकी रिलेशनशिप में रोमांस नहीं आएगा। हमारी बातचीत से मुहावरे का हफ्ते गायब है, हमारे इसमें बहुत ज़्यादा हमने सिर्फ काम चलाओ हिंदी, काम चलाओ अंग्रेजी, काम चलाओ मराठी बचाई, लेकिन जो असल लज्जत है भाषा की जहाँ से जीवन आता है, तो हमने उस पर एक सरल तरह से काम करना शुरू किया। फेसबुक पे एक बड़ी सी प्रेजेंस बनी, फेसबुक का एक पेज है हिंदी कविता, और जो हिंदी कविता के साथ में हो रहा था, आगे चल के उर्दू स्टूडियो नाम से चैनल शुरू की गई, आगे चल के उर्दू का एक पेज बना, मैंने पंजाबी चैनल भी शुरू की थी, मैं तो सारी भाषाओं में काम करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बॉम्बे में गुजराती, मराठी, बंगाली, खैर सभी हैं, तो उन भाषाओं में भी काम करना है, लेकिन अकेले बैंडविड्थ नहीं है तो अब नहीं हो पा रहा अभी तक। तो पंजाबी चैनल में भी दो डाले थे वीडियोज, उसके बाद में बंद। तो ये बात यहाँ पे हम लोग हिंदी की तो कर ही नहीं रहे, जो भाई तुम्हारी मातृभाषा है उसके उस पर कर रहे हैं। हैदराबाद में पहली बार मेरा जाना हुआ, ऐसे कविता के लोगों से मिलना हुआ, तो उनसे बात करने के बाद में उनसे वक्त ज़्यादा था, लंबा तारुफ हुआ, तो उसमें वो लोग मैथिली पे काम कर रहे थे, मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों हिंदी में कर रहे हो, हिंदी आप मैथिली में क्यों नहीं कर रहे, और आपने अगर मैथिली में ब्रजभाषा में अच्छी अच्छा उपन्यास लिख लिया तो वो हिंदी में और अश्मीर में और अंग्रेजी में तुरंत उपलब्ध हो सकता है ना, अब अपनी भाषा में काम करो। वो लोग नहीं मानने करते यार, हिंदी बड़ा तालाब है तो अपनी रीजनल भाषाएं छोड़ छाड़ के लोग इधर आ रहे हैं, विच माइट बी हार्मफुल टू हिंदी ऑल्सो, इट्स हार्मफुल टू दोज लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो हमारा हम ये बात कोई भी चैलेंज करता था कि तुम हिंदी हिंदी की बात करते हो, साउथ इंडिया में कभी जाके बात कर रहे हैं कुछ भी, तो ये तो मातृभाषाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मातृभाषा की आप ज़्यादा में आप शायद ज़्यादा फल फूल सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा ब्रिलियंस चाहिए दूसरी भाषा में फल फूल कर, और जो अपनी भाषा पे ज़्यादा अधिकार रखता है, लोग कौन से लोग अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, जो अच्छी हिंदी भी बोलते थे, अच्छी मराठी भी बोलते थे, तो उन्हें ये मालूम है कि भाषा में ज़्यादा अधिकार चाहिए अच्छी अच्छे जीवन यापन के लिए, तो इसलिए उनके पास में तो जो अच्छे लेखक रहे हैं हिंदी के वो सभी के सभी बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, वैसे ही वाइस वर्सा। तो ये
सारी बातें हो रही थी, बहुत कुछ घट रहा था फेसबुक के जरिए और यूट्यूब के जरिए कुछ कम्युनिकेशन शुरू हुआ था लोगों से, और लोगों का ये था कि या तो ये लोग उसके बारे में कदर नहीं करते थे या फिर लोग सिर्फ दीवाने में रहते थे, बीच की कोई चीज नहीं थी। तो हो रहा था तो लोगों को इश्क होता था, लाइक वाइक नहीं होता था। तो और फिर उनके पास में पता नहीं क्या क्या हो जाता था कि मैं पिछले 6 महीने से इस कविता की वजह से, कविताओं में ये शक्ति है, ये इस प्रोजेक्ट का कमाल नहीं है, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों का कमाल है कि उन्होंने ऐसी चीजें लिखी है जिसको पढ़ के आपकी पूरी पूरा जीवन बदल सकता है। हो सकता है आप लोगों में से आज कोई कविता पढ़ता घर जाके जॉब छोड़ के फिर कुछ और कहीं और निकल जाता। जो साहित्य हमेशा से ही हर किसी के लिए करता है, मुक्ति मिलती है, वी आर लाइक जनरली फ्री व्हेन वी आर साहित्य में जब रहते हैं। और ये चीजें होने लगी तो लोग बोलेंगे हमें चुभना है, वो तो जोड़ोगे कैसे, क्या कर सकते हैं। अब आप कभी मुंबई में हैं तो आप आ जाएंगे, हम शूट करेंगे तो आप भी आ जाएंगे, ऐसी बातें चल रही थी। तो लेकिन बाहर के लोग थे कि हम कैसे जुड़े, हम कैसे जुड़े, हम कैसे जुड़े। तो मैंने कहा मैं तकरीबन 100 कॉलेजेस में खुद ही कविताएं लेके गया हूँ, वीडियोज लेके, और इन बच्चों को जिनको कुछ मालूम नहीं था, नाम नहीं सुने थे इन्होंने, निराला के ना अमृता प्रीतम के कुछ भी, तो इनको ये वीडियोस जब दिखाए तो इनके मन में कहीं ना कहीं शायद साहित्य के प्रति रिस्पेक्ट के नॉट प्रेम के बीज तो कहीं पड़ गए हैं, अंकुरित अभी होंगे जब ये लोग अपने रोजगार में मिड लाइफ क्राइसिस से डील कर रहे होंगे तब होंगे अंकुरित, लेकिन अंकुरित हो सकते होने के चांसेस हैं। तो वो एक अच्छा काम है, वो आप अपने शहर में कर रहे हैं। ऐसे करके कुछ शहरों में ये बात हुई कि भाई आगे चल के आप लोग, तो बहुत सारे शहर के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने कहा हम करेंगे ऐसा, हम स्कूल्स और कॉलेज में अपने लोकली जाया करेंगे और इनको ये वीडियोस ऑडिटोरियम में या कहीं अच्छे से दिखाया करेंगे। और हम लोग हाँ बात जरूर कहते थे कि भैया अंग्रेजी बोलने से बिल्कुल मत डरना, हम अंग्रेजी बोलने से बिल्कुल नहीं शर्माते हैं अगर कभी बोलनी पड़ जाए तो, क्योंकि और कई बार आप अंग्रेजी वाले क्राउड के बीच में हो तो आप अच्छी अंग्रेजी बोलो एंड व्हेन यू हैव देयर रिस्पेक्ट फिर आप अंग्रेजी कुछ लेख वगैरह लिखें तो हम एक बड़े बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑडियंस है उसके साथ में हम साझा कर सकते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ में साझा करें। और वो सबके लिए लिखने वालों के लिए भी बड़ा उत्साह देने वाली चीज़ होती है फिर और लिखते हैं और वो प्लेटफॉर्म है कि नई चीज़ों को आगे लाए। तो ये था कि क से फिर ये ग्रुप्स बने और दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग थे, दिल्ली में करीब 350 लोगों का एक ग्रुप बना जिसमें से बहुत सारे लोग मिलने लगे हर महीने। वो शायद क से कविता की शुरुआत थी और वो लोग फिर मिलने के बाद में स्वरचित कविताएं पढ़ते थे। तो हिंदुस्तान में तो खैर सभी लोग कविताएं लिखते हैं, आप किसी बस में पूछें भी इतने लोग कवि हैं तो 70% लोगों ने कविताएं लिखी। तो लेकिन वहां पे थोड़ा सा 3-4 महीनों बाद में जो शायद दिल्ली के पानी में था या इन लोगों में था, ये लोग कुछ अकड़ में आ गए कि यार हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि वो मीडिया ने ऐसा लिखना शुरू किया था मीडिया राइट्स के दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एवर। और फिर हम ये लोग बोलने लगे हम इनको नीचा दिखा देंगे, हम इनसे बड़े हैं, हम इनसे बड़े हैं। तो हम कह यार हम कैसे, हिंदी के साथ में दुर्भाग्य ये रहा है या किसी बात की अगर क्रेडिट थोड़ी सी हमें मिलनी चाहिए तो इसकी कि जितने बड़े बड़े ग्रुप्स थे हमने उनमें कभी भेदभाव और नहीं बरतने दिया, हम सबको हम एक जगह लेके आए। वो ग्रुप्स अभी भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, लेकिन हम उनकी ताकत चमचागिरी की और नेतागिरी की खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, नए नए बहुत सारे जगह आ रही। आप सबने सुना होगा मठाधीश हैं और ये हैं। तो खैर तो दिल्ली में हर महीने तो ये हुआ कि आप लोग ले जाना, तो ये है कि बच्चों के बीच में ये वीडियोस लेके जाने हैं आपको, लेकिन ग्रुप बना के मिलते रहो तो थोड़ी ऊर्जा बनी रहेगी, 3-4 लोग जाओ, एक अकेला ना जाए, नए लोग आते रहें, नए वॉलेंटियर्स आते रहें, वो मेन मकसद था। और आप लोग ऐसा करें वो, लेकिन 3-4 महीनों बाद उनको सेंस ऑफ पावर आ गया, उनके बारे में एक दो लेख छप गए तो उनका कि हम तो बहुत बड़ी तोप हो गए, तो हम ऐसा करेंगे हम वैसा नहीं करेंगे, ये खराब हैं वो अच्छे हैं, लेकिन हम कौन होते हैं, हम हाउ आर वी क्वालिफाइड कि हम बताएं कि ये अच्छा है वो बुरा है। जैसे संपादन हमारा जो होता है मैं नहीं करता, इसमें जो प्रतिष्ठित संपादक हैं समालोचन वाले हैं, शीर्ष मौर्य हैं,
दूसरे लोग हैं, ये लोग हमारा संपादन करते हैं, ये लोग बताते हैं इस कवि को, लोग ये मेरी मर्जी से नहीं होता। तो वैसे ही हमने कहा हम तो एक पता नहीं उनके साथ में मजा नहीं आया, वो अलग ग्रुप तब तक हमारे बंद करने की बात आई थी। और फिर मैंने कहा मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है इस तरह के काम में, तो हम ग्रुप्स वगैरह छोड़ देंगे। तब कई काफ़ी सारे दूसरे शहरों में भी तब बात चल रही थी। तो फिर उन शहरों में बात थोड़ी सी रोक के देहरादून में तीन चार लोगों ने कहा कि हम क्या फिर ऐसे करें। मैंने कहा हाँ सुरक्षित कविताएँ नहीं होंगी, एक कोर ग्रुप चाहिए, एक व्यक्ति नहीं करेगा, तीन चार लोग मिलकर ही करेंगे वगैरह वगैरह बातें हुई। और फिर उसके बाद ना क से कविता नाम वहाँ से आया और वो लोग मंथली बैठकें करने लगे जहाँ पे वो बैठे थे अपनी प्री कविता पढ़ते थे। उसमें एक थिएटर वाले साहब थे तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे कि किसी ने कहा कि भाई मैंने जैसे मेरी बारी आई तो मैं कहूँ कि मेरी प्री कविता है रुचि की लिखी हुई, तो बोलते थे पॉलिटिक्स नहीं बाहर, तो नेटवर्किंग बाहर करना। तो इस तरह से शुरू से थोड़ा स्ट्रांग बोलने के वक्त की पाबंदी वगैरह हिंदुस्तान में थोड़ी मुश्किल होती थी पहले, बोल रखे एक समय में ख़त्म करना है, क्योंकि दिल्ली में हम हाथ जला चुके थे, दो मीटिंग्स 5-6 घंटे चली, तो फिर उसके बाद में आपको बाथरूम्स चाहिए, पानी चाहिए, चाहिए वो चीज़, लोगों को परेशानी हो जाती है। और उसके बाद भी कई लोग गुस्सा होकर जा रहे थे कि हमारी कविता तो नहीं पढ़ने दिया आपने, हमारे ना टाइम पर लोग उठ के जाने लगे, ये ऐसा अच्छी बात नहीं है ये वो। खैर तो इसमें वक्त की भी पाबंदी थोड़ी सी रखी जाए, इस तरह से करें, दिल में कहीं रखें कि बच्चों के पास में ये लेके जानी है, शायद हमारा अगर वो कर पाए सैकड़ों जगह ऐसा हो पाया तो शायद बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वीडियोस से हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ना अब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हो गया था। तो फिर ऐसे करके हैदराबाद में, उत्तराखंड में हम तकरीबन हर जगह पे हैं, इंदौर में हैं, तो ये जैसे बैठकें आप लोग यहाँ कर रहे हैं, कल मस्कट में शुरू हुई है, एस्टोनिया में है, एस्टोनिया में शुरू नहीं हो पा रही है, और कहाँ कहाँ छिंदवाड़ा में है, पुणे में है, दिल्ली में है, सच के नाम से उत्तराखंड में तो इनफैक्ट 12-13 है, 9 है यहाँ मतलब। हाँ तो ऐसे और बहुत सारी जगह पे लोग अब इसको करने लगे हैं कि अब ऐसा किया जाए। शुरुआत में तो ये लगता था कि यार ये बच्चों को भूल जाए लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर लगा कि 6 महीने हो चुके थे जिसको करते हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने करना शुरू किया। तो अच्छा क्या हो गया ऐसा, आप महीने में एक बार मिलते हो, जीवन कैसे बदल सकता है इससे? तो पता चला कि नहीं हम ये हो गया कि हम कविताएं महीने भर सोचते रहते हैं कविताओं के बारे में, तो हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, पढ़नी है कविताएं, तो हम लेकिन वो कविताएं जीवन में आ रही हैं और कविताएं आ रही हैं तो आपको खोल देते हैं, मतलब आप सिर्फ कविता ही नहीं पढ़ते, जो हाथ में आए फिर वो पढ़ते, तो मेरा पढ़ना लिखना शुरू हो गया। और मेरे पास में बैठने के ऐसे 4 लोग हैं कि जिनके साथ में बैठ के मैं साहित्य पे बात कर सकती हूँ, जो पहले नहीं होता था, आप मिलते हो तो साहित्य पे ही बात आई, 5 मिनट में खत्म होके फिर आप वही खाने पीने पे आ गए या जिस भी बात करते हैं। तो अब ये लोग इस तरह से मिल सकते हैं और हम सिर्फ साहित्य की ही बात करते हैं, तो दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं जो अच्छी बात है। फिर उसके कुछ महीनों बाद पता चला, और ऐसी बातें कई तरह से लोग कहने लगे, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं अचीव करने वाला, नहीं जा पा रहे स्कूल्स कॉलेजेस, बाद में देख लेना कभी हो जाए तो। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक थोड़ा सा लिस्ट बना के बताऊँगा, डू लेट मी नो पर मैं टाइम कर उसके 3 मिनट बाद करें तो मैं कोशिश जल्दी जल्दी बोलने की कर रहा हूँ, थोड़ा सेंसर करते हुए बोल दे रहा हूँ। तो उसके कुछ महीनों बाद ये एक और चीज़ देखने में आई कि पुणे की कविता अलग नहीं है, पुणे के लोग, पुणे का ग्रुप अलग नहीं है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर ऑल मिक्सिंग एंड मिंगलिंग विद ईच अदर, क्योंकि ये सब व्हाट्सएप में हैं, ये सब इधर उधर हैं। जैसे आज रुचि, अगर जब भी इंडिया में आपका इन शहरों में जाना होता है, यू विल बी मीटिंग काइंड ऑफ योर लॉन्ग लास्ट फ्रेंड, मतलब ऐसा लगेगा पुराने लोग मिल रहे हैं, और लोगों ने ऐसा करना शुरू किया कि फैमिली के साथ देहरादून में आए तो आपके घर आएंगे मिलने, और कोई हैदराबाद गया है तो वहाँ पे हो गया आपस में। मैं बोलता था, सोचता था कि यार आप लोग कोलैबोरेट करो ना, कोई किताब लिख लो, नागपुर वाला बंदा बैठ के पढ़ना वाले के साथ लिखे, न्यूयॉर्क वाला बैठ के कलकत्ता वाले के साथ लिखे, संभव है मिलना। और हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोगों के लिए 2000 तो हमें नॉवल चाहिए हर साल, यू डोंट हैव, और खैर बहुत कुछ चाहिए। तो कोलैबोरेशंस हों,
क्रिटिक अच्छे से हो। कई बार हमने कोशिश की आपके सामने, पता नहीं हुआ कि नहीं, कि तीन तीन लोगों का ग्रुप बना दिया गया कि आपको कुछ भी करके एक लेख लिखना ही, आप पोएट्री पे लिखो, आपके जो जीवन है उस पर लिखो, तीन लोग हैं, एक दूसरे को चेक करो, उसको चिजल करो, एक अच्छा लिखने वाला हो, एक अच्छा सोचने वाला हो, मतलब जो भी है उस ग्रुप में आप लिखें जरूर, उसको ट्रैश कर दें, बट व्हेन यू राइट दैट्स योर रिवॉर्ड। तो लोगों से लिखवाओ तो फिर लिखते नहीं है फिर, लेकिन बाद में बोलते हैं हाँ यार मैं लिखने लगा हूँ, मैं बदल गया हूँ। तो हमें ये सबसे अच्छी चीज लगती है जब कोई बोलता है यार मैं बदल गया हूँ, फॉर गुड और बैड वो कौन जानता है। तो हाँ आप अगर लिटरेचर में जाओगे तो आपका घर परिवार टूटेगा, आपका अच्छा खासा जॉब टूटेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, मतलब परेशानी ही होने वाली। तो लेकिन वो पता नहीं परेशानी अच्छी है नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह पे कैसे कविता के ग्रुप्स हैं जो महीने में एक बार मिलते हैं, कई जगह लोग अपनी फ्री कविताएं पढ़ते हैं, कई जगह लोग एक कवि को चुन लेते हैं उस पर महीने भर तैयारी करते हैं, अगली बार मिलते हैं तो सब थोड़ा कभी कभी शो ऑफ जैसी कोई चीज़ दे जाती है, विच इज़ हेल्दी शो कि मैं देखो ज़्यादा जानता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ के आया। और आप पढ़ते हो तो फिर वो इन्फेक्शियस है, दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, आपको माहौल मिल जाता है, वरना आपने किताब खरीदी थी बहुत पढ़ा और आपको लगा कि अब तो जैसे जिम जाने पे होता ना कि तीन महीने में तो बन जाएगी बॉडी, तो लगता है कि पहली किताब इस साल तो मेरा पढ़ने वाला साल है, आ गई है किताबें वापस, पर वो एक ही बात बंद हो जाती है। तो वो सब चीजें ना हो, वो लोग एक दूसरे को पुश करते रहे, ये सब चाहते हैं। और किसी भी तरह से साहित्य बना रहे, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हिंदी के बारे में हम लोग और दूसरी बातें यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी फाइंडिंग्स हैं समहाउ आई वांट कि मैं शेयर करता हूँ। जैसे मार्केट जो है हिंदी का, सिर्फ मार्केट वाइज देखा जाए तो 18,000 करोड़ रुपए का मार्केट, कि मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं जो 50-100 करोड़ रुपए में खुश हैं, वो तो तुम लोग बेवकूफ, तुम्हारी कम नजरे की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही, तुमको बेचना नहीं आता और तुम खुश हो। अब लेखक बेचारा बिकता नहीं है, आप लेखक को प्रमोट नहीं करते, उसकी ज़्यादा किताब बेचो, उसके ऊपर पैसे खर्च करो, उसको उसकी इमेज बनाओ, जिस तरह से पब्लिकेशन यहाँ होता है हिंदुस्तान में वैसे नहीं होता। मैं पब्लिशर हूँ, आपने किताब लेके आए, आपकी किताब बिकने लगी, मैं बड़ा खुश होता हूँ, थोड़े दिन बाद लोग आपको पूछने लगते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं आपसे जलने लगता हूँ, ये हिंदुस्तान की अभी की सच्चाई है। एंड ऑब्वियसली इट कैनॉट लास्ट, थिंग्स हैड टू चेंज, things may change और मेरा ये है कि आई रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग। तो हर 2-3 साल में मेरे को लगता था हो जाएगा शौक पूरा और आप निकल जाओगे, यहाँ से भी हो सकता है कभी। तो मैं कमिट नहीं करना चाहता था पहले 3 साल तक तो किसी भी मामले में कि भाई मैं हूँ अभी, मेरा काम है चिंगारी दिखाना, कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए लाइफ में वो किसी को मालूम ही नहीं, ये तो दिख गया लोगों को। सो चिंगारी लगाना है कि भाई तुम धंधा करो, तुम ये करो, ऑडियो बुक्स का 150 करोड़ रुपए का मार्केट है, आप किताबें आप बेचने लगेंगे जब लोग, तो फिर लेखक आएंगे, निकल के आएंगे, पढ़ने वाले आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बहुत सारी तरह के काम शुरू होंगे। बच्चों का इतना बड़ा मार्केट है, टीन्स का मार्केट को कोई बात ही नहीं करता, फैशन में भी टीन्स के अलग से स्टोर्स नहीं, तो धंधा भी इसमें कहीं से आए। अवार्ड्स हमारे ठीक नहीं है, रेडियो भी जो भी एक कोई प्रोग्राम शुरू करता है अब देखा देखिए सब लोग वही प्रोग्राम शुरू करते हैं, एक टीवी चैनल जो करती है देखा देखिए सब वही करते हैं, भेड़ चाल है, वी आर नॉट प्रमोटिंग न्यू थिंकिंग, वो सब आ जाएगी जिससे पैसा भी आएगा। इट्स नॉट अगर पैसा चाहिए किसी को तो उसके लिए भी यहाँ पे जगह है, इस तरह की बातें करने से लगा था कि हो जाएगा। नाउ वी वर एट अ पॉइंट कि कम से कम जितने प्रकाशक हैं, संपादक हैं, मैगजीन्स निकालने वाले हैं, ये लोग तो कम से कम ट्यून्ड इन थे, ये लोग सुन रहे थे कि अच्छा इतनी बड़ी जगह, कहाँ तुम लोग कोशिश तो करो। यूएस में आप 1,000-5,000 प्रतियां किसी किताब की बेच लें तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, दैट्स एक्चुअली नॉट अ होल लॉट, हिंदी में लिख के यूएस में भी बेची जा सकती हैं। और वो लोग तीसरा संस्करण आने वाला है, आपकी 1,000 कॉपीज नहीं बिकी हैं, 300-300 की वो निकालते हैं अगर आप लोगों ने सुना, और बेस्ट सेलर हो जाती है, कितनी बिकी 950 बेस्ट सेलर, और कभी को अवार्ड दे दिया जाए, जिसकी जुगाड़ है, जिसका जिसके जीएलजी मिनिस्टर है उसको मिल जाता है। और तो इन अवार्ड्स की वैल्यूज कम हो गई है, लोगों ने लोग दूर भाग चुके हैं साहित्य के साथ में, लेकिन आ सकते हैं, इट्स अ बिग बिजनेस ऑल्सो। फिर
तो ऐसे कविता के साथ में लोगों से ये भी बोलना चाहते थे कि यार आपके गांव में, आपकी छोटी जगह पे, हम लोग यंग हैं, बड़े शहरों में रहते हैं तो हम लोग अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं, आप जाएं अपने यहाँ के छोटे लोगों को ढूंढें, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी छोटी जगह पे बड़े लोगों को ढूंढें, पुराने लोगों को ढूंढें, उनका फेसबुक पेज बनाएं, जीमेल वीमेल अकाउंट बना दें और उनको किसी तरह से सामने लाएं, उनके उनका काम लोगों तक पहुँचाएँ। वो अगर खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, आप यंग लोग जाएं कॉलेज के पढ़ने वाले जो ग्रुप में होते हैं, तो वहाँ पे हिंदुस्तान में तो बड़ा, यहाँ तो आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन वहाँ देखने में आता है कि बड़े हर तरह के एज ग्रुप के लोग इसमें हैं, यंग लोग भी हैं, उनकी मतलब बड़ी खुशी खुशी दीदियाँ आंटियाँ ये वो हैं, तो सब एक दूसरे के उत्साह से इधर उधर उत्साह बहुत फैल रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो हम कभी ये अपील भी करते हैं कि भैया आप अपने ग्रुप में देखो यार, आपके यहाँ किस शहर में कोई होगा उसको निकालो, उसे लाओ, स्कूल्स कॉलेजेस में जाओ, बुक रीडिंग ग्रुप्स आप बनाएं, किताबें कहीं से इकट्ठी कर सकें, कहीं पहुंचाएं, किसी भी तरह के वीडियोस वगैरह बनाएं और फिर उनको हम प्लेटफॉर्म दिलवाने की कोशिश करें, जो है आपके यहाँ से संपादक लोग आगे आएँ, जो हिंदी कविता पेज है ये वहाँ कोई नहीं चला रहा, आप जैसे लोग चला रहे हैं, आप चलाएं, आप अपना मंच लें, आप कोई कॉलम लिख सकते हैं हिंदी में, उस पर बातचीत करें, तो ऐसे करके टैलेंट भी आगे आ सकता है। लेकिन सबसे पहले वो लोग आते हैं जो कम टैलेंटेड हैं लेकिन अपने आप को मार्केट करते हैं, उससे कैसे बचना है उसके लिए हम लोग कुछ कोशिश करते रहते हैं, कभी सफल होते हैं कभी नहीं होते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का ना रहे, ये किसी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि साहित्य की राजनीति कम से कम हो वगैरह, काम करने मतलब इस तरह की बातें भी होती हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे है पूरे, और उसमें यही होता है कि हम लोग बहुत छानबीन करने की कोशिश करते हैं, बहुत सालों से मुझे वक्त ही नहीं मिला, अभी पहली बार वक्त मिला है, छुट्टी जैसा है यहाँ पे, तो काफ़ी नए लोगों से बातें हो रही हैं यहाँ पे, यूएस में भी कई शहरों में शुरू हो, और हो सकता है फिर आप लोग तो यहाँ तो काफ़ी माइग्रेटेड करते हैं, आप किसी दिन बॉस्टन गए, पता चला कि बॉस्टन में आपको फैमिली मिल गई, डैलस गए,